नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश की भजनलाल सरकार का संकल्प है समर्थ राजस्थान, विकसित राजस्थान। सरकार अपने इसी संकल्प को पूरा करने का पहले दिन से ही प्रयास कर रही है और इसकी झलक जुलाई में आने वाले प्रदेश के बजट में भी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के बजट को सर्वोमुखी बनाना चाहते हैं और इसलिए सीएम अभी से कवायद में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न विभागों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से संवाद कर रहे हैं और उनसे प्रस्ताव भी मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर चुके हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि राजस्थान में विकास को कैसे पंख लगेंगे और बजट में क्या होगा खास। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें, आपको हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हैं, अर्थशास्त्री है। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे ही करते हैं। नई सरकार के बनने के साथ ही लगातार कोशिश प्रदेश के मुखिया की यही रही, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, कि प्रदेश की जनता को राहत दिया जा सके और इस तरह से शुरुआती तौर से कई फैसले लिए गए। लेकिन किसी भी सरकार के लिए और किसी भी प्रदेश की जनता के लिए सबसे खास और अहम होता है बजट। अब जबकि बजट पेश होने वाला है, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, तैयारियों को लेकर जरूर आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि लगातार संवाद कार्यक्रम जारी है। श्वेता जी, देखिए लोकतंत्र में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कल्याणकारी सोच के साथ आगे बढ़ना, उस राज्य की जनता का कैसे समग्र विकास हो सके उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना और किस तरह का रोड मैप आने वाले 5 सालों में हम राजस्थान की जनता को दे सकें हर क्षेत्र में, उसी को लेकर आपने देखा होगा कि अभी प्री बजट संवाद जो हुए हैं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ, वो ये बताता है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में हर वर्ग, चाहे वो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित वर्ग हो या उनके प्रतिनिधि हो या व्यापारिक या औद्योगिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति हो उनके प्रतिनिधि हो या किसान वर्ग से संबंधित लोग हो उनसे जुड़े हुए लोग हो या महिला वर्ग के हो या जनजातीय विकास से संबंधित जो प्रतिनिधि है उनसे भी हमने संवाद किया है और बजट पूर्व चर्चाएं की है, परामर्श किया है और उनके सुझाव लिए। हम चाहते हैं कि उनके सुझावों पर हम सकारात्मक रूप से विचार करते हुए उन सुझावों को भी बजट में स्थान दें ताकि जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको हम पूरी तरह से कर सके और एक समग्र राजस्थान और किस तरह से विकसित हो, जब समग्र समाज जो है वो पूरा उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ समाज भी विकसित होगा, शिक्षित समाज भी विकसित होगा, एक बहुआयामी जो विकास दिखना चाहिए हर वर्ग के लिए वो भी दिखेगा। और इसी परिपेक्ष में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो लगातार 2 दिन से आपने देखा प्री बजट संवाद किए विभिन्न प्रतिनिधियों से, उनके सुझाव भी आए और जो कमियां हैं उनको भी दूर की जाएगी और पूर्ववर्ती सरकार, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा किया कि जैसे ही भजनलाल सरकार बनी राजस्थान में हमने आते ही फैसले लेने शुरू कर दिए। आप देखिए हमने 6 महीनों में, जिसमें से 50 दिन आप देख सकते हैं कि आचार संहिता के निकल गए, हमने 3 महीनों में ताबड़तोड़ फैसले कर दिए। जिस तरह से पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ने की बात हो, चाहे 70,000 युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण, हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 30% से बढ़ाके 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, या आप देखिए अभी एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जो पुलिस कांस्टेबल है उनमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और किस तरह से आप देखिए ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में भी हमने MOU किए 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU किए जिससे हम सौर ऊर्जा में जो आत्मनिर्भर हो सके, अग्रणी हो सके। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समय में भामाशाह योजना चल रही थी उसमें इतनी सारी बीमारियों को, जो प्रमुख बीमारियां थी उनको कवर कर रखा था, ऑपरेशंस को कवर कर रखा था, लेकिन गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना को लागू करके उन सब कई उसमें से जो चिकित्सकीय सेवाएं इसलिए उम्मीदें बढ़ गई, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई कि नई सरकार जिससे संवाद कर रही है बजट में क्या कुछ होगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता CR यादव जी भी जुड़ चुके हैं। CR यादव जी बहुत स्वागत है आपका और साथ ही चर्चा में शामिल हुए हैं।
हैं। अरुण अग्रवाल जी सचिव है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत क्योंकि हम कर चुके हैं, सीएल यादव जी बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री बजट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 3 से 4 महकमे को लेकर संवाद हो चुका है, बातचीत हो चुकी है कि कैसे बेहतर किया जाए। और बैठक में चिकित्सा की अगर बात कर ले, स्वास्थ्य की, तो चर्चाओं में ये आया कि सबसे नाकाम कोई योजना थी तो चिरंजीवी योजना को कहा गया, जबकि चिरंजीवी योजना पिछली सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। अब विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस इस बजट से क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मीटिंगें ले रहे हैं, तो बजट मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे या राज्य की वित्त मंत्री पेश करेगी? और मेरे को तो लगता है कि इस बजट की जो सीक्रेसी रहनी चाहिए वो सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। जिस प्रकार से चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का समय है, जिस प्रकार से इन्होंने जो शेयर मार्केट में जो घोटाला किया, उसी प्रकार लगता है कि बजट में भी ये सीक्रेसी जो मेंटेन होने की दाव पे लगी हुई है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी एपिक सेंटर बने हुए हैं इस बजट के, जबकि वित्त मंत्री को होना चाहिए। तो ये जो भाजपा है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है, 10 साल से केंद्र में देख रहा है, और ये डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं। डबल इंजन की सरकार की ये कानून और व्यवस्था के नाम पे जनता को गुमराह करके सत्ता में आए थे, आज कानून और व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ रही है वो पूरा प्रदेश देख रहा है और शर्मसार हो रहा है। किस प्रकार महिलाओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस प्रकार क्राइम डे बाई डे बढ़ रहा है, किस प्रकार दूसरे क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे इस देश और प्रदेश के साथ। रही बजट की बात, तो बजट में सामने आ जाएगा कि क्या आता है। इन्होंने वादे बहुत किए हैं, अभी बहुत सारे ईआरसीपी की बातें की थी, तो ईआरसीपी की उसी मीडिया ने पोल खोल दी जब 2 प्रोजेक्ट जो 2 डैम थे उनके बारे में जब उन्होंने रिपोर्ट छापी कि उनका ट्रायल होने वाला है। ईआरसीपी के लिए प्रधानमंत्री जी 2018 में बोल के गए थे कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। चुनाव से पहले इन्होंने एक DPR बनाई, साहब वो DPR क्या है आज तक प्रदेश की जनता के सामने नहीं आई। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, देखेंगे बजट में क्या है। जुमले बहुत किए हैं, ये कहते हैं कि हमने GDP ग्रोथ इतनी कर दी, पर कैपिटा इनकम कितनी की, लेकिन वो हकीकत में यदि कंपैरिजन करेंगे तो कांग्रेस के साथ 5 साल के शासन में जो GDP ग्रोथ हुई उसके आधी भी इसलिए इंतजार विपक्ष को भी कि आखिर क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या बजट में आम जनता को दिया जाता है। प्रोफेसर एनडी माथुर जी हमारे साथ, अर्थशास्त्री है। एनडी माथुर जी, जब बजट होता है तो इसमें बेहद अहम भूमिका अर्थशास्त्रियों की भी होती है क्योंकि किस लिहाज से क्या फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह से राहत देने की कोशिश है, और ऐसे में वित्तीय स्तर पर बात की जाए तो राज्य सरकार की स्थिति कैसी है। अब क्योंकि नई सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट है इसलिए उम्मीद हर सेक्टर को इससे बहुत ज्यादा है। एनडी माथुर जी, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, आपको क्या नजर आता है, कैसा बजट हो सकता है ये, क्योंकि अभी तो संवाद चल रहा है, तैयारियां चल रही है। देखिए श्वेता जी, मुख्यमंत्री से मेरी तो गुजारिश है कि या तो कुछ रहमत कर दे, या तो ख्वाब न दिखा, या ख्वाब मुकम्मल कर दे। जो कुछ ख्वाब दिखाए गए हैं उनको मुकम्मल करने का समय है। अगर राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए तो लगभग हमारी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GSDP, उसका 40% राज्य पर कर्ज है। हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीट से बहुत ज़्यादा है, लगभग 67,500 करोड़ का उसमें डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट जो नेट है वो लगभग GSDP का 4% है। ये हमारी आर्थिक स्थिति है। अब इसमें जब 40% हम पर कर्ज है GSDP का, जब हमारा नेट GSDP का 4% जो है वो कर्ज है, तो ऐसे में हम, ये तो एक कस्टमरी चीज़ है कि मुख्यमंत्री जो है उद्योग वालों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, फार्मर से मिल रहे हैं, अर्थशास्त्रियों से भी मिल रहे हैं, ये हर मुख्यमंत्री इस काम को करता है, कोई नई चीज़ नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो कुछ वादे हमने किए हैं और जो जो रेवेन्यू के लिए हमें ज़रूरत है, वो ट्रेजेक्ट्री कहाँ है, रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ है स्टेट का, अगर रेवेन्यू नहीं आएगी तो खर्च कहाँ से होगा, जो वादे हैं वो पूरे कहाँ से होंगे। तो सवाल इस बात का है कि रेवेन्यू के नए सोर्स जो है वो ढूंढे जाएं और रेवेन्यू अर्न की जाए, और तभी ख्वाब मुकम्मल हो सकेंगे। अदरवाइज ये बजट जैसा एक आम कस्टमरी बजट हमेशा होता है वैसा ही बजट बनकर रह जाएगा। जी अरुण अग्रवाल जी, क्योंकि उद्योगों से भी और उससे जुड़े लोगों के साथ भी संवाद CM ने किया है, और हर बार जब बजट आता है तो हम चर्चा भी करते हैं, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, लेकिन पूरी होती नजर नहीं आती है। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि
प्रदेश के मुखिया का चेहरा भी बदला है, प्रदेश में सरकार बदली है, पहला पूर्णकालिक बजट है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल श्वेता जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी भी साथ में थे जी। हमसे भी, मैं भी वहाँ था, वहाँ मीटिंग में हमसे सुझाव लिए गए, हमने काफ़ी सुझाव दिए, ऐसे सुझाव भी दिए जो लगातार हम पिछले कई वर्षों से देते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये बात अभी यहाँ हो रही थी डबल इंजन सरकार, तो हम व्यापारी उद्यमी आशावादी हैं, हम जो सुझाव देते हैं पिछले सरकार से भी हमें आशा थी और इस सरकार से हमें डबल आशा है क्योंकि डबल इंजन सरकार है। हमने आज कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जैसे जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक लागू नहीं, उससे छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी, हमने जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम लाने का सुझाव दिया कि राज्य सरकार, चूंकि राजस्थान सरकार के हाथ में ही नहीं है लेकिन वो हमारी एडवोकेसी जीएसटी काउंसिल में जो यहाँ के मंत्रीगण जाएंगे वो करेंगे कि एमनेस्टी स्कीम लाकर। और इसको तीसरी बात, हमने एग्जम्पशन लिमिट जो 20 लाख रुपया सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए और 40 लाख रुपया मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए, जबकि एक्साइज, जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था एक्साइज था उसमें 1.5 करोड़ की छूट थी। ऐसे में राजस्थान चूंकि भौगोलिक दृष्टि से फैला हुआ है, सबसे बड़ा भौगोलिक चित्र से एरिया वाइज सबसे बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में छोटे छोटे सुदूरपुर गांव में, तहसील में छोटे व्यापारी है, उसको 20 लाख रुपया आज ऊंट के मुंह में जीरे जैसे बात है। ऐसे में इस लिमिट को बढ़ा के दोनों को खत्म कर 50 लाख किया जाए। हमने सबसे बड़ी मांग उद्योग के लिए उठाई क्योंकि अभी वेयर हाउस का मैटर चल रहा है, रिको क्षेत्र के जो आसपास के जयपुर की जहां मैं बात करूंगा संदर्भ में, जैसे विश्वकर्मा है, झोटवाड़ा है और आसपास 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा है, मालवीय नगर है, ये क्षेत्र शहर के बीच में आ गए। ऐसे में वेयर हाउस को यूडीएफ डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा ऑलरेडी दे रखा है, किंतु रिको चूंकि सरकार का ही एक पार्ट है, सरकार की एक सेल्फ एंटिटी है, इंडिपेंडेंट PSU, ऐसे में उसको वो रिको आज तक ये लागू नहीं करने के कारण रिको में अनाधिकृत नगर निगम भी घुसता है, जबकि रिको रोड लाइट सफाई सब कुछ रिको करता है। ऐसे में हमने ये अनुरोध करके आया है कि जिस तरह आपका राजस्थान सरकार यूडीएफ डिपार्टमेंट वेयर हाउस को रिको की इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है, वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है, रिको भी उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे रिको के जो क्षेत्र आते हैं उसमें वेयर हाउस इसके देने से कारण क्या कि यूडीएच के नोटिस भी आ जाते हैं। फायर सेस का मैटर हमने उठाया कि फायर सेस जहाँ राजस्थान में पीने का पानी नहीं है, जो फायर इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ फायर की रिस्क होती है वो तो खुद ही सारे इक्विपमेंट लाए रखते हैं, यहाँ ये जो फायर सेस का जो इनका प्रोविजन है उसमें लाखों लीटर पानी का टैंक लगाने का, लाखों रुपये के इक्विपमेंट्स लगाने का, जबकि पड़ोसी स्टेटों में मुश्किल से 2 रुपया स्क्वायर मीटर का चार्ज लेता है और यहाँ लाखों रुपये में ये है, तो ये भी हमने बात करके आई है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में रिफ्स 2022 जो पॉलिसी है उसमें पहले तो स्टेट पोर्टल पे जाके हमको इंडस्ट्रीज को उसको लोड करना पड़ता है, फिर DIC वाले उसको अप्रूव करते हैं और वो भी 10 करोड़ का सिर्फ प्रावधान है और ये मौखिक आदेश है कि 10 करोड़ तक के लोन तो खाली 1% को दिया जाए, ज़्यादातर लोन वो लाखों में ही देते हैं। ऐसे में इसको रिव्यू करना पड़ेगा, रिफ्स की पॉलिसी को। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अरुण जी की जितनी जरूरत है, जो दिक्कतें अब तक ये उद्योग सेक्टर है जो फेस करता आ रहा है, जो समस्या है उसने आपने सबसे अवगत कराया है और अब इंतजार है कि बजट में किन चीजों को लेकर राहत मिल पाती है, क्योंकि सब कुछ हो जाना ये तो एक बजट में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा ये हो सके पूरा, ये उम्मीद जरूर उद्योग सेक्टर से लोग लगाकर बैठे हुए। लेकिन शैलेन जी, रेवेन्यू को लेकर अभी बात जिस तरह से की जा रही थी, रेवेन्यू को लेकर एनडी माथुर जी ने सवाल उठाया, वो भी जायज है कि हमारे पास है कितना, हम कितना खर्च कर सकेंगे और कैसे हम राहत दे सकेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज भी रहेगा सरकार के लिए। तो निश्चित तौर पर चैलेंज रहेगा क्योंकि 5 साल की जो गहलोत सरकार चली, जो GSDP 40% कर्ज हो गया, जो 40% GSDP का कर्ज हो गया वो गहलोत सरकार के कारण हुआ। आप देखिए ताबड़तोड़ उन्होंने योजनाएं लागू कर दी, धरातल पर थी नहीं, पैसे बांट दिए, अव्यवहारिक योजनाएं, आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार चरम पर, तो आप देखिए हालात तो राजस्थान की इन्होंने ये करके छोड़ दी। और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता के आंखों में पट्टी बंदी, उनको नहीं दिख रही कि माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बैठी है हर मीटिंग में, ये कह रहे हैं कि उसमें मीटिंग में नहीं थी, दूसरी ये कह रहे हैं कि अरे आप सुन लीजिए आपको
दोनों पर बजट पेश कर सकते हो, नहीं पढ़ते हो, नहीं आप आगे यहाँ कहने लग जाते हो झूठ मूठ। जो आपके झूठ बोलना तो भाजपा का काम है, झूठ बोलना तो भाजपा का काम है, झूठ बोलना गुमराह करना भाजपा का काम है। लाख रुपए देते हैं सवाल जो लाइन लगा के खड़े हैं, अरे सवाल में खड़ी है, कलकत्ता में खड़ी है, मद्रास में खड़ी है, सवाल लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का कर्जा किसने किया था प्रदेश के ऊपर? आरक्षण खत्म करेंगे, 3 लाख करोड़ का कर्जा किसने किया था? जवाब दीजिए ना। किस तरह से मनगढ़ंत बातें करते हैं, अलावा कुछ नहीं करने का काम करते हैं, सवालों के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, दिखता नहीं, बजट लीक हो जाएगा। अरे भाई ये तो, अरे भाई दिख रहा है ना, अरे वित्त मंत्री ने कहा विश्वास नहीं है, वित्त मंत्री का आपने तो विश्वास नहीं है, जानकारी नहीं है, वित्त मंत्री को फ्री हैंड दीजिए ना, मैं इनकी मेहनत पे विश्वास नहीं है ना आपको, वित्त मंत्री का विश्वास नहीं है ना आपको, कांग्रेस प्रवक्ता की हैंड लेंगे पैसे। मैं माथुर जी का जवाब देना चाहूंगा, मैं माथुर जी का जवाब देना चाहूंगा। देखिए जिस तरह से, देखिए जितनी भी योजनाएं उन सबका भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार रिव्यू कर रही है, जो अव्यवहारिक नीतियां थी, जो गलत पॉलिसीज बना दी गई थी, चाहे वो जिले के जिले बनाए गए हों, चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, महात्मा गांधी स्कूल आपको बताया कितने बनाए थे आपने? 3700 बनाए थे आपने, और उनमें से कितने अरे सुनो तो सही, कितने आवेदन आए, कितने आवेदन कितने प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके साथ झूठ बोल रहे हो। आप राइट टू एजुकेशन को छीनना चाहते हो, राइट टू हेल्थ को छीनना चाहते हो, प्रदेश प्रदेश की जो गरीब जनता है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत सारे मुद्दे हैं सर बजट पे हम बात कर रहे हैं एक सेकंड रुकिए सीएल यादव जब भी आपने एक बात कही कि वित्त मंत्री पर भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री को, पहली बार दशकों बाद ऐसा है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अलग अलग है, और अगर मीटिंग में बैठ के चर्चा हो रही है तो इसमें क्या गलत है? क्या मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठ सकते? आप फिर चर्चा, आप फिर हटाइए ना वित्त मंत्री को, आप ले लीजिए चार्ज, वित्त मंत्री का चार्ज ले लीजिए, आप उसको फिर लीजिए, या तो फिर लीजिए या चार्ज ले लीजिए। ये समझा करोगे तो होता है, जानकारी है नहीं, कौन है डमी वित्त मंत्री? देखिए श्वेता जी, कौन है डमी कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है डमी वित्त मंत्री? चाहे तो सारे विभाग बांट सकते हैं, चाहे तो सारे विभाग नहीं है, अर्थशास्त्री जी को भी सुन ले, माथुर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं वित्त मंत्री का होना, मुख्यमंत्री का होना, बैठक में कौन हो कौन नहीं हो, अहमियत क्या रखता है? अगर आप संवाद कर रहे हैं अलग अलग विभाग से, वो चीजें निकल कर आए, क्योंकि ये जो बातें और जो जरूरतें निकल के आती है जनता के बीच से आ रही है, अलग अलग विभाग से आ रही है, और इसके बाद उस पर चर्चा हो और उस पर तैयार किया जाए बजट कि हम क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, जिस तरह से रेवेन्यू पार्ट भी बेहद है। जो चर्चा होती है श्वेता जी, वो आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर आगे बढ़ती है, और जब आर्ग्यूमेंट्स कमजोर होते हैं तो आवाज बढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है। हम बहुत कम आवाज में बात कर सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। वी शुड रेज आवर आर्ग्यूमेंट रादर देन रेजिंग आवर वॉइस। वॉइस को क्यों तेज करें? हम बिना वॉइस तेज करे भी अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी बात, जो इस मुद्दे पर बहस चल रही है कि मुख्यमंत्री को इंटरवीन कर रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री तो लीडर है, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर को भी काम करना है तो मुख्यमंत्री की गाइडलाइन पर, मुख्यमंत्री की नीतियों पर, मुख्यमंत्री की लीडरशिप पर काम करना है, तो इसलिए इसमें क्या गलत है अगर मुख्यमंत्री उसमें इंटरवीन कर रहे हैं तो? आगे फाइनेंस मिनिस्टर को भी मुख्यमंत्री की राय लेनी पड़ती है, और अगर वो सभी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साथ मिल रहे हैं तो उसमें मैं समझता हूँ अभी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभी सारी चीज बजट पूर्व है, इसमें कोई लीक होने की बात भी नहीं है। डिस्कशंस हैं, डिस्कशन होते हैं, इससे कंसेंसस बनाई जाती है, मन लिया जाता है लोगों का कि आखिर हमें करना क्या है, एक रायशुमारी है, तो एक बजट थोड़ी है।
इसमें कोई गलत नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल राय शुमारी अरुण अग्रवाल जी, क्योंकि पहले भी बजट के पहले भी चर्चा होती है, संवाद होता है, हर बार उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये अब सरकार और कई चीजें आती है, अब उसमें आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है, और इसलिए कई बार उद्योग सेक्टर ये कहता है कि हमसे संवाद भी किया गया, हमारी जरूरतें भी जानी गई, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर है क्योंकि नई सरकार का ये पहला बजट है, हो सकता है एक दो चीजों पर विचार कर फैसला दे दिया जाए या कुछ बेहतर कर दिया जाए आप लोगों के लिए, लेकिन कितने उम्मीद लगा करके, अभी आपने एक बात कही कि इस बार हमें डबल उम्मीद है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमसे जो सुझाव लिए जाते हैं ये परंपरा है और हमेशा सुझाव लिए जाते हैं, पिछले 25 साल से तो मेरे को भी याद आ रहा है, मैं लगातार बजट पूर्व सुझाव देता हूं और 25% सुझाव हमको आशा है इस बार भी, और हमेशा हमारी 25% जो मांगे होती है, जो हम सुझाव देते हैं उसमें जो निकल के आता है, और निश्चित रूप से हमको पूरी आशा है कि 25% इस बार भी हमारे सुझाव माने जाएंगे, क्योंकि राजस्थान को एक बीमारू राज्य से निकालकर विकासशील राज्य में स्थापित करना है, और इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, ऐसे में निश्चित रूप से भारत आज 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्थान ले चुका है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में 3री वर्ल्ड की इकोनॉमी में होगा, ये हम आशावादी हैं, हम व्यापारी हैं, हम आशावादी हैं और आशावादी रहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, एक अहम सवाल, और क्योंकि केंद्र का भी बजट आएगा जुलाई में, राज्य का भी बजट आना है, केंद्र में भी नई सरकार बनने के साथ ही ये बजट होगा, ऐसे में और राजस्थान से उम्मीद की जा रही क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो बहुत कुछ बेहतर किया जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे में कितनी उम्मीद है, चाहे हम डबल इंजन की सरकार कह लें, बार बार कहें, लेकिन बीवी भी एक जमाती है और पत्नी माँ भी एक जमाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है बेसिकली, तो कर्ज इतना है हम पर, अगर ये कर्ज बना रहेगा और ये कर्ज पर जो हाई इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं तो विकास कैसे होगा, ये एक अहम मुद्दा है, और जब तक हमें केंद्र की मदद नहीं मिलेगी मैं समझता हूँ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे, विकास जो है वो संदेहपूर्ण है। नहीं, इसी में एक बात जोड़ देता हूँ मैं, श्वेता जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, परामर्श हुआ है, विचार विमर्श हुआ है, मार्गदर्शन उन्होंने लिया है, उसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री सीतारमन जी से भी मुलाकात की है, पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की है, कोल मंत्री से मुलाकात की, तमाम मुलाकातें हैं, आपने देखा कि पूरी मुलाकात करके आए हैं, और एक डबल इंजन की सरकार किस गति से चल रही है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार बनी हम एक्शन में आ गए थे, हमने अपराधियों को लगाम लगाना शुरू कर दिया, महिलाओं के लिए हमने क्योंकि चुनाव के पहले भी चैलेंज, चुनाव के पहले भी जो बात की जाती है डबल इंजन की सरकार, इसलिए उम्मीद प्रदेश की जनता को भी है कि भाई केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ये वजह नहीं रहेगी कि केंद्र नहीं कर रहा है या केंद्र कहे कि राज्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर ऐसे में उम्मीद रफ्तार की भी होती है कि विकास भी और तेज रफ्तार से हो, और इसलिए प्रदेश की जनता को उम्मीद इस बजट से 40% जनता को समर्पित कर दिया है, वक्त खत्म हो चुका है, 40%। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बजट में क्या खास और वो खास बने बजट, इसलिए लगातार संवाद का कार्यक्रम जारी है, अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर बातचीत की जा रही है ताकि जो जरूरतें हैं और जो कहते हैं निचोड़ है वो निकल सके और उसे हम बजट में शामिल कर सके, और यही कोशिश प्रदेश के मुखिया की भी है, लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि नई सरकार का पहला बजट है और तुरंत ही आप जो चाहे वो मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, 5 साल सरकार के हाथ में है लेकिन पहला साल है, पहला पूर्णकालिक बजट है, और ऐसे में सोच विचार कर सबसे संवाद कर बातचीत कर बेहतर बजट देने की कोशिश होगी, लेकिन ये कितना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है उसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है, नमस्कार।